वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते हैं कि रिलायंस कम्युनिकेशन ने फ्राइडे के दिन 2.20 पे क्लोजिंग दी थी, तकरीबन 0.5 पैसे ऊपर तेजी देखने को मिली थी, यानी कि 5 पैसे ऊपर क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका था। 2.83% की तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। वॉल्यूम देखोगे तो देख सकते हैं तकरीबन 4 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट किया था फ्राइडे के दिन में, और 52 वीक लो के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ चुका है रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक। वीक स्टॉक माना जाता है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही गिरावट देखने को मिली थी। तकरीबन ड्यूरेबिलिटी स्कोर पे ऊपर नजर डालोगे तो 35 वैल्यूएशन स्कोर भी देख सकते हो, 25 एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, लो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और मोमेंटम स्कोर देख सकते हो टेक्निकली बेरिश है। 52 वीक लो देखा जाए तो 2.10 है, जो कि आप देख सकते हैं कि उसी के नज़दीक ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ चुका है यहाँ पे अलकॉम स्टॉक। तो रिलायंस कम्युनिकेशन के चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते हैं बहुत ही बेरिश मोमेंट बनाता हुआ नजर आ रहा है रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक, यानी कि देख सकते हैं कि बहुत ही वीक मोमेंट यहाँ पे ये मंथ में देखने को मिली थी। तो नेक्स्ट मंडे से अभी देख सकते हैं कि मंडे से तकरीबन मोमेंट चेंज हो जाएगी, क्योंकि मंथली पीरियड चेंज हो जाएगी, मंथ चेंज हो जाएगा, तो मोमेंट चेंज होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई देंगे यहाँ पे। तो रिलायंस कम्युनिकेशन के बाकी के डिटेल देखे जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि देख सकते हो नेट कैश फ्लो राइजिंग दिखाई दे रहा है स्टॉक के अंदर, व्हाइट मरोबा जो कैंडल स्टिक यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है यानी कि बुलिश, कंपनी के प्रमोट होल्डिंग में 0 शेयर प्लेस है जो कि बढ़िया बात है, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रहे। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक के लिए।